और वो दुनिया के अंदर जब आएगा तो वो जो 40 दिन रहेगा तो उसकी हालत क्या होगी कैसे वो दुनिया का सफ़र करेगा तो आइए हादिस में देखते हैं चालीस दिन में से तीन दिन बड़े होंगे चालीस दिन में से तीन दिन बड़े होंगे और सैंतीस दिन 37 दिन जो है आम दिनों की तरह होंगे तीन दिन जो बड़े होंगे वो कैसे बड़े होंगे तीन दिन सही मुस्लिम फितन किताब नंबर बावन हदीस नंबर दो हज़ार नौ सौ सैंतीस टू नाइन थ्री सेवन नवास बिन समान रज़ी अल्लाह बयान फरमाते हैं कि नबी वस ने फरमाया कि दज्जाल चालीस दिन जमीन में रहेगा यौम का सनतन व यौम का शहरिन व यौम का जुमातिन व शायर ही का अयाम कम एक दिन जो है एक साल के बराबर होगा गौर कर ले एक दिन एक साल के बराबर होगा और दूसरा दिन जो है एक महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन जो है वो एक हफ्ते के बराबर होगा बकिया सैंतीस दिन जो है वो आम दिनों की तरह होगा सहाब करामाम ने क्या सवाल किया या रसूल अल्लाह फजली अल अल-यौम अल्लज़ी अतक्फी नाफ़ी है फ़ीह सलातु योमिन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बतलाएं कि जब एक दिन एक साल के बराबर होगा तो क्या एक दिन की नमाज़ पढ़ना काफ़ी है साहब कराम को नमाज की फ़िक्र है हमें और आपको नमाज की फ़िक्र है क्या फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ला फर्मा लहू कदरा जी नहीं बल्कि अंदाजा करके नमाज पढ़ना एक दिन एक साल के बराबर होगा तो तुम लोगों को एक साल की नमाज पढ़नी पड़ेगी अंदाजा कर, कर के पढ़ना तो यही हदीस दलील है उस मुल्क के लिए भी जिस मुल्क में दिन और रात छः छः महीने का हो रहा है तो अब रोज़ा कैसे रखेंगे इफ्तारी कैसे करेंगे शहरी कैसे खाएंगे तो अंदाजा करके करना है अंदाज़ा लगाना है या बाजू वाले मुल्क का देखना है तो नबी अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि वो एक दिन जो एक साल के बराबर होगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन की नमाज पढ़ लो तो हो जाएगा नहीं एक साल की नमाज पढ़नी पड़ेगी ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें